और फरवरी के अंदर जो हमारी युवा पीढ़ी जो है अफेयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी के प्यार में कोई बाधक बनना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा कि मैंने मेरी प्रेमिका को क्या गिफ्ट दिया है, आप भी उस तरह का गिफ्ट दे सकते हैं। तमाम प्यार के बारे में, क्या असली प्यार होता है, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा सकते हैं कि आप भारतीय सभ्यता का अपमान करते हैं, पाश्चात्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन अगर इन दिनों के जरिए कोई आपस में मिलते हैं तो मुझे शायद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खुद की जिंदगी, वास्तव में दोस्तों, स्त्री जो है इस दुनिया की सबसे अनुपम उपहार है, इस प्रकृति का जो हमें दिया गया है। चाहे आप उसको माँ के रूप में देखिए, चाहे आप उसको बहन के रूप में देखिए, पत्नी के रूप में देखिए, प्रेमिका के रूप में देखिए, बस उसको समझने की जरूरत है, उसको कुरेदने की जरूरत है अंदर अंतर्मन से। वो क्या सोचती है, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी शुदा हो जाती है लेकिन मन से वो कुंवारी रहती है, क्योंकि उसके मन को किसी ने नहीं छुआ। आजकल का जो प्यार जो है वो सिर्फ तन को छूने का रह गया है। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं, हाँ ये बात सत्य है कि ये जो वैलेंटाइन डे वीक है, केवल प्यार इन्हीं दिनों का मोहताज नहीं है। हर दिन हर पल उसके बारे में एहसास करना ही सच्चा प्यार है। अब बहुत सारे लोग जो है लव यू फलाना दिखड़ा, इस तरह की चीजें चलती रहती। वास्तव में प्यार है क्या? एक दूसरे को समझना, उसकी केयर करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ये सोचना कि इसको मैं कामयाबी के उस मंजिल की तरफ लेके जाऊं, खुद के साथ पसीने में तपाऊं। इन दिनों के अंदर ओयो के कमरे के बेड की चद्दर में सिलवटें डालना प्यार नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे के सारे? एक ऐसी मेहनत के मुकाम के ऊपर उसको लेके जाना, क्योंकि रातें जितनी काली होंगी सितारे उतने ही ज्यादा चमकते हैं दोस्तों। एक स्त्री को कोई मिल जाता है, एक लड़की को कोई, वो उसके मन को पढ़ने का काम करता है। उसके सामने वो स्त्री खुली किताब बन जाती है, सब कुछ नौछावर कर देती है, एक एक जिंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर कर लेती है। बदले में क्या मिलता है? हवस 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 और हवस। जी हाँ, 99% जो प्यार है वो एक कमरे तक जाकर चादर में सिलवटें डालने तक सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, जिस चीज को आप प्यार का नाम देकर के हवस की अग्नि में जल करके आप उसको आगे बढ़ाते हैं, वो प्यार नहीं है। समझिए एक दूसरे को, केयर करिए, उसे बताइए कि वो चाहती क्या, वो करना क्या चाहती है। जिस तरह से स्त्री को, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो अगर आपके ऊपर विश्वास करती है तो सब कुछ नौछावर कर देती है आपको, सब कुछ। एक इस वीक के अंदर क्या सही मायने में क्या गिफ्ट होना चाहिए जो हम अपनी प्रेमिका को दे सकते हैं? इन छोरियां का तो वैसे आपने देखा हुआ, पीछे पेपर देखे थे, हरियाणा सीईटी का देखा, उससे पहले हरियाणा पुलिस का देखा। इन छोरियों का तो लुवाई है, बेवफा भी कौन होंगी इन तक बड़ी बेवफा, बेवफा तो जी के हुआ है कि रकड़ तक के पढ़ना प्रकड़ा करते के आजे जी के बहुत तकड़ा धोखा दे, वो छोरियां तो भी तकड़ा धोखा दे दे। लेकिन जमाना आजकल बदल गया, बालक 8वीं 10वीं वाले बालक रील बनाओगे, मित्र बहमन नारिये गोली मार देंगे। कहा था मनीषा बालक देखे स्टेटस लाओगा, ले ब्याह में इतनी गोली चला देंगे, पड़ोसी बोले पीतल बेच बेच के अमीर बन जाएंगे। और उसका इतिहास देखा कि और कपड़े लत्ते महंगे पहनता, वो बंदा महंगे पहन के इसे से स्टेटस लाओगा। फिर उसका साल दो साल पांच साल सात साल पाछे ब्याह हो जाए, फिर देखा साइकिल पर अपना कड़ जाओ है, बस बड़का पेट भरना है, हाथ पहले तो नो कर देंगे, नो कर देंगे, नो कर देंगे। हाँ, वो युवा जोश होता है, उस जोश को आप अच्छे तरीके से उसको कहीं लगाने का काम करिएगा। दोस्तों, सही मायने में प्यार, आप उसको समझिए, उसके प्रति सोचिए वो क्या करना चाहती है या वो क्या करना चाहता है। छोरियों तार खतर भी है। अगर इस प्यार को हवस का नाम देके अगर आप उसके मार्ग में बाधा बनने की सोच रहे हैं, वो बाधा ही है ओयो को कमरा, वो सत्संग। सच्चा प्यार क्या क्या उपहार है,
देखिएगा, 11 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक लीसो ऐप के ऊपर सभी